नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्क्रीन नई न्यूज। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच जो पार्टियों के बीच जो राजनीति चल रही है उसका सुलझना बहुत मुश्किल हो गया, वो भी तब जब कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। और वो पहले पता आपको कि सीपीआई में थे और इससे पहले कांग्रेस पार्टी का आरजेडी से गठबंधन था, लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो गई तो अब इन दोनों पार्टियों के बीच तू-तू-मैं-मैं की लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लड़ाई यहाँ तक आ गई है कि अब उपचुनाव दोनों एक साथ नहीं लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के जंग के बीच लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गठबंधन टूट जाएगा या एक साथ रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या कन्हैया कुमार उन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा पाएंगे, उस एग्जाम में पास हो पाएंगे जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कन्हैया पे दांव खेला है। इन तमाम सवालों पे जिक्र करेंगे। अनुजा हमारे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि कन्हैया कुमार के साथ जो दांव खेला गया है, क्या ये जो दांव है बिहार के उपचुनाव में पास हो जाएगा कन्हैया कुमार के भरोसे? देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो लगातार ऐसे चेहरों पर दांव खेल रही है जो पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग हो। और अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार जो है वो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सीपीआई नेता रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्हें लोग काफ़ी जानते भी हैं और काफ़ी स्ट्रांग चेहरा है और वो बिहार से भी हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब बिहार में उपचुनाव है और उससे पहले जो है वो कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है, इसके पीछे की जो प्लानिंग है वो उपचुनाव को लेकर ही बनाई गई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है अनुजा, वो ये कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है विधानसभा चुनाव में, उन्होंने साथियों ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा, तो क्या अब वो बना रहेगा? क्योंकि कन्हैया कुमार को आरजेडी ने मौका नहीं दिया था और यही वजह है कि वो सीपीआई में गए, लेकिन अब कांग्रेस में आने के बाद क्या जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा? ये आपको लगता है कि इस बीच में तो बयानबाजियां शुरू हो गई हैं कन्हैया कुमार को लेकर, कि आपको क्या लगता है कि राजनीति जो सियासत है वो आसान रहेगा या और मुश्किल में बढ़ जाएगा? देखिए, राजनीति है और कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, और यही चीज अब देखने को मिल रहा है। अगर कन्हैया की बात करें तो कन्हैया को जैसे भी लगेगा कि जहां उनको फायदा मिल रहा है वो चीज जरूर करेंगे। और खुद अगर कन्हैया की बात करें तो वो काफी समझदार हैं, युवा नेता रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, तो उनको जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, जो रणनीति तैयार करनी होती है, वो बाखूबी पता है। और ये चीज अब मुझे लग रहा है इस बार बिहार के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। और यही वजह और यही उम्मीद से कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा दांव कन्हैया कुमार पे लगा दिया है। अब उनके लिए एक इम्तिहान जैसा है कि आखिर इसमें वो फेल होते हैं या पास। लेकिन दूसरी तरफ अगर अनुजा मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो वो ये कि क्या कन्हैया कुमार जिस तरह से पहले कांग्रेस में नहीं थे और ना ही पहले सीपीआई में थे, इससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाते थे, हर एक मुद्दे पर खुल के अपनी राय रखते थे, क्या आपको लगता है कि अब बिहार में अभी इस वक्त उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं तो अब बीजेपी के खिलाफ उनका क्या रुख रहेगा, किस तरह का रवैया रहेगा, या उसी तरह से बैंड बजाते हुए नजर आएंगे जैसा कि पहले वो हल्ला बोलते थे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा वो पहले लगातार जो है मोदी सरकार पर निशाना साधते थे, प्रश्न खड़े करते थे, और कहीं कहीं ना कहीं यही रीजन है कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर वो बहुत बेबाकी से अपनी बातों को और अच्छे ढंग से रख सकते हैं और अब उनकी बातों को सुना भी जाएगा। तो ये जरूर कह सकते हैं कि अब जो है कन्हैया की रणनीति नहीं बदलेगी। कन्हैया का जो पहले से जो वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे वो जारी ही रहेगा, क्योंकि अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस जो है इसी वजह से कन्हैया कुमार पर दांव भी खेल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात भी है, बिल्कुल आप सही करिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कन्हैया कुमार को क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए ही चुना गया है क्या? क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वो कोई ऐसा तजुर्बेकार नहीं है जो बिहार में कांग्रेस को संभाल सके, उनकी नैया पार कर सके, तो क्या सिर्फ बिहार के लिए ही कन्हैया को जिम्मेदारियां दी गई हैं या बाकी राज्यों के लिए भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिहार में कन्हैया की जरूरत है, और जैसे ही वहां पर उपचुनाव खत्म होता है उसके बाद जो है अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है,
उसमें भी जो है वो कन्हैया कुमार दौरे करते हुए नजर आएंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इन सब चीजों में माहिर हैं और कांग्रेस पार्टी जरूर इसका फायदा उठाना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है अनुजा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर चर्चाएं हुई कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लगातार अब तो खुद ही वो हमला बोल रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी जब कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस का दामन थाम लिए वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में, तो ऐसे सवाल उठे कि पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ है। जब उनका हाथ है, उनकी जो है सहमति से ऐसा कुछ हुआ है, उनकी रणनीति से हुआ है, तो फिर आज ऐसे क्या वजह आ गई कि आज प्रशांत किशोर खुद कांग्रेस पे हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति को, रणनीति को समझने की ज़रूरत है। जब भी वो किसी पार्टी में रहते हैं, काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी पर जो है वो निशाना साधेंगे या फिर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब वो किसी भी पार्टी में रणनीति तैयार करते हैं तो काफ़ी शांति से काम करते हैं, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल कई राज्यों में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, तो कह सकते हैं कि जब उनकी रणनीति बनती है तो वो अंदर ही अंदर सारे काम करते हैं और किसी दूसरे दल पर जो है वो निशाना नहीं साधते हैं। और एक बार फिर से जब ये अटकलें तेज हो गई कि पंजाब की कांग्रेस में जो है वो पीके शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये काफी मामला ठंडा पड़ गया, जिसके बाद जो है जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार तो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर का अचानक से ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं इस ओर जरूर इशारा करता है कि जो प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए मांग कर रहे थे उन मांगों को नहीं सुना गया है, इसी वजह से अब वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल अनुजा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि आपने अभी लखीमपुर खीरी हिंसा हुआ, आपने उसमें देखा कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के अलावा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा, आपने देखा कि भूपेश बघेल, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी जो है लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसे ये भी संदेश हुआ, मैसेज आया कि ये लोग शायद यूपी चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में इन्हें जो है शामिल किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि कन्हैया को भी यही जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बिहार में उपचुनाव से पहले यूपी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या लगता है कि कन्हैया को भी वही जिम्मेदारियां मिली जो बाकी ये नेता करते हुए दिखे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मुख्यमंत्री की बात करूं मैं, भूपेश बघेल की बात करूं, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट की बात करूं, तो इनकी एंट्री जो है उत्तर प्रदेश में हो गई है चुनाव से पहले। अब ये जो है वो जरूर दौरे करते हुए नजर आएंगे। कन्हैया कुमार की बात करूं तो कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अब कांग्रेस की रणनीति रही है कि युवाओं को साधने की जो रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें कन्हैया कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं, और इसी वजह से अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं और उस वक्त अगर जब युवा नेता जब आएंगे वहां पर दौरे करने के लिए, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार का नाम भी शुमार किया जाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है वो युवाओं से काफी जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, उनके सामने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। बिल्कुल, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बाखूबी समझते हैं कि कहां पर किस सिचुएशन में मैनेज, किस हालात को कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं सहमत हूँ। अब देखते हैं कि आखिर कन्हैया कुमार के सामने जो परीक्षा है, जो इम्तिहान है, उसमें वे फेल होते हैं या पास। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उससे पहले यूपी में जो चुनाव है वो बहुत ही एक अहम है, और इसमें किन नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किन की भागीदारी होती है, किन्हें मौका मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आएंगे तमाम चीज़ें साफ होते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।